अभी आगे बढ़ेंगे और हम जरा चेंजिंग द पेस एंड द मूड एंड द टॉपिक इज वेल. सो हम आपको क्रिकेट से मुतालिक अपडेट देंगे और बताना हमने आपको ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान T20 इंटरनेशनल सीरीज आज शारजा में शुरू होगी और आज शारजा में मैच भी होगा. बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी आपने बात बताई है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल आज शारजा में खेला जाएगा और दोनों टीमों के दरमियान पहली बार होने वाली 3 मैचेस की सीरीज के लिए तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं और ट्रॉफी की रूनमाई कर दी गई है. ये क्या है? ट्रॉफी इंस्पायर्ड है. ये ट्रॉफी मैं देख रहा हूँ जरा. तो ओनली थिंग आई कैन सी इज कि बहुत बड़ी है. उसके अलावा मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा. पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल. मैच के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान भी हो गया है और टीम में कप्तान है आपको पता ही है शादाब खान और मोहम्मद हारिस हैं. इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक हैं, आजम खान शामिल हैं, फहीम अशरफ हैं, इमाद वसीम हैं, नसीम शाबी कौमी टीम का हिस्सा है जबकि साय मयूब, तैयब ताहिर, जमान खान ये PSL के हमारे हीरोज जो है ना एहसानुल्लाह डेब्यू करेंगे. 3 T20 सीरीज के मैचेस 24, 26 और 27 मार्च को शारजा में ही खेले जाएंगे. यानी कि आज है, फिर परसों है, फिर तो एक दिन के बाद और है. सो पाकिस्तान के लिए ये सीरीज इस लिहाज से भी अहम है कि इसमें PSL के 4 स्टार्स पहली बार कौमी सतह पर डेब्यू करेंगे और लड़कों बच्चों प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना. और क्योंकि ये भी राय थी ना कि इनको ऐसे शुरू करा रहे हैं तो प्रेशर में आ सकते हैं या इनका करियर एट स्टेक हो सकता है अगर परफॉर्म ना करें. अव्वल तो इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे और अगर नहीं भी तो दिस जस्ट द स्टार्ट, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. या एंड आल्सो मतलब यू आर इन प्रोफेशनल क्रिकेट नाउ, प्रेशर लेना सीख लें. प्रेशर तो होता ही है. टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रजाक हमारे साथ हैं. क्या मैं जरा ट्रॉफी करीब से देखना चाह रहा था. मैं देखो ना कोई इतनी खास. हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है. देख लिया और आपकी जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आपको बता रही है ना कि ट्रॉफी कैसी है, वो वैसी ही है. कालीन टाइप है वो. जी बिल्कुल लाल रंग की है ना, वो बिल्कुल वैसी ही लग रही है. अब तो रजाक हमारा वेट कर रहे हैं. अच्छा जी, बहुत शुक्रिया रजाक भाई. रजाक भाई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब ये सीरीज शुरू हो रही है. आपके ख्याल में ये जो 4 नए लड़कों का हमने जिक्र किया, पहले ही मैच में आजमा लेना चाहिए क्या इनको? नहीं, डेफिनेटली जिस इंटेंट से गए हैं इनको मौका मिलना चाहिए और ये परफॉर्मर है. PSL ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है. अहसानुल्लाह को भी देखना चाहेंगे क्योंकि वो शारजा की पिचों पे देखते हैं कैसी बॉलिंग करते हैं. बड़े अग्रेसिव बॉलर हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं उनमें और मुझे उम्मीद है कि जितने ये प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं ये अच्छा परफॉर्म करेंगे. अच्छा, आजम खान और इमाद वसीम को भी चांस दिया जा रहा है तो ये दोनों काफ़ी फॉर्म में हैं. PSL में हमने देखा भी है. क्या उन्हें ऊपर के नंबर्स पर चांस दिया जाएगा? मिडिल ऑर्डर में ला रहे हैं, पोजीशन क्या है, क्या बेहतर होगा उनके लिए? नहीं, डेफिनेटली देखें PSL में आजम खान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अमाद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो जिस नंबर पे ये खेलते आ रहे हैं उसी नंबर पे इनको देना चाहिए मौका. और बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कॉम्बिनेशन बना हुआ है. पर ये कि जो इंटरनेशनल की फील होती है इंटरनेशनल मैच की, जिस तरह PSL में फ्री ऑफ माइंड खेलते रहे इसी तरह इन मैचों में भी खेलना चाहिए कि अफगानिस्तान की टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए. उनमें भी बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, बैट्समैन भी बड़े अच्छे हैं, फील्डिंग भी उनकी बड़ी अच्छी है. अच्छा अब्दुलरजाक भाई, शारजा की पिच की बात कर लेते हैं. आपने खुद वहाँ बहुत क्रिकेट खेली है, आजकल का मौसम भी आपके सामने है, रात का मैच है, पहले बैटिंग करने वाले को एडवांटेज मिलेगा या फील्डिंग वाले को? देखिए शारजा में डे एंड नाइट मैच हो तो उसमें एडवांटेज मिलता है, जो पहले बैटिंग करती है उसको फायदा होता है. अब ये रात के मैचेस हैं, लाइट्स ऑन होगी, पहले बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पर ये वहाँ की पिच पे डिपेंड करता है कि वहाँ की पिच कैसी है. अगर लो बॉन्स होती है तो वो उसमें ये का पहले बैटिंग करने वाले को एडवांटेज मिलेगा. अगर इवन पिच हुई तो मैं समझता हूँ इक्वली रहेगा, पहले बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग हो. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. अच्छा अब्दुल्ला ने तो पकड़ के वही पूछा ना, पहले बैटिंग करें, मतलब हर चीज हम जल्दी से पूछ रहे हैं कि हमारी फेवर में क्या होता है. मौसम बड़ा अच्छा है, हमने ये देखा ना कि पहले जो बैटिंग कर रहे थे उनको एडवांटेज ही मिला. लेकिन लाहौर कलंदर ने आपको बताया ना, फिर सेकंड लास्ट मैच में भी सेमीफाइनल कह लें उसे आप, किस तरह से वो सारा मामला उल्टा किया था. बट दे डिडंट बैट फर्स्ट, दे चेज.
मैं भूल गई थी। एनीहाउ, अगर आप अपने शहरों में नाइट क्रिकेट, रमजान नाइट क्रिकेट खेल रहे हैं तो प्लीज हमें लेके भेजिएगा @Jio Pakistan TV पे। कोई तस्वीरें वगैरह शेयर कर सकते हैं हमसे। अभी तो वैसे बारिश हो रही है, इस रमजान में रातों को क्या होता है, तो ये जरा क्रिकेट तो आपको पता है होता ही है ना, और मौसम भी आजकल अच्छा है, और बच्चों की 4-5 दिन की स्प्रिंग ब्रेक भी आई हुई थी, तो उसमें भी बच्चे जरा एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन मंडे से बच्चों फिर स्कूल है। एनीहाउ, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आ रहे हैं।